हेलो गाइस, आप लोग सब कैसे हैं? रूपा के इस नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और आज पूरा फुल डे ख़त्म हो गया और शाम के 6 बज रहे हैं और आज का दिन बहुत ही लेज़ी डे है आज का डे। हाँ, क्योंकि बादल छाया हुआ था, सूर्य धूप तो था ही नहीं, सूरज देवता तो हमें दिखे ही नहीं और इतना लेज़ी डे था। देखिए, हम लोग का कंबल निकल गया है, मोटे मोटे कंबल। अब ठंड बढ़ रही है और शाम रात का खाना बनाना, डिनर बनाना है। आज का डे एकदम मतलब इतना लेज़ी डे है ना कि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। पर अभी आज सुबह से कोई सूट नहीं किए हैं। हाँ, मूड ही नहीं बन रहा था, सूट करने का मूड ही नहीं बन रहा था। अभी हम सूट करने का मूड बनाए हैं तो अभी शाम में, अभी फ्रिज में पपाया रखा हुआ है, एकदम पका हुआ पपाया रखा हुआ है। आधा तो पहले ही खा ली थी, सोना हम लोग सबको मिलकर खाए थे। और एक तो बड़ा सा पपाया था, स्कूल का एक बच्चा है राकेश, तो वो ला दिया था, तो थैंक यू राकेश पपाया के लिए। और अभी आधा पपाया रखा हुआ है, पूरा पक गया है और उसको नहीं खाने से फिर वो ख़राब हो जाएगा। तभी सोना को खाने का मन है क्योंकि बहुत मीठा है वो पपीता, एकदम मीठा है तो खाने में अच्छा लग रहा है खाने में। तो अभी पपीता खाएंगे, पका हुआ पपीता। उसके बाद फिर रात के खाने में क्या बनाएंगे, सुबह ही आलू बॉईल करके रख दिए थे तो आलू पराठा बनाएंगे। ये है हमारा पका हुआ पपीता, देखिए। अच्छा है ना, अभी ये खाएंगे हम लोग। और ठंड बढ़ गई है इसीलिए एक स्वेटर पहने हैं। इस स्वेटर पहने तो थोड़ा थोड़ा गर्म लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है। तो अभी मूड को बिल्कुल चेंज करते हुए, सुबह से जो हम लेजी टाइप का कर रहे थे तो अभी मूड को चेंज करते हुए अभी फटाफट काम में लग जाना है, पपीता खाना है। तो चलिए, पपीता को अभी छीलना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, वो भी बहुत हेडेक है। ये इतना पका हुआ है ना, इसको जब छीलते हैं ना तो वो अजीब टाइप का हो जाता है, मैंने गिलगिला जाता है जैसे। इतना ठीक है, मस्त है, एकदम गिलगिलाया हुआ नहीं है। तो इसे काटते हैं, चलिए। हाँ देखो, तो काट ले फिर उसके बाद छीलेंगे। बहुत ज़्यादा पका हुआ है, थोड़ा मीठा भी है, टेस्टी बन। छीलते हैं, खिला रहा है। ये है काला नमक, तो ना भुखनी खत्म हो गया ना, मिर्ची का जीरा का जो भुखनी बनाते हैं। क्या सब हो गया? नहीं है, खत्म हो गया, उसकी चार टूट खाई थी ना, खत्म हो गया, बस हो गया ज़्यादा। बहुत ज़्यादा मीठा है, और फ्रिज में था ना, थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है, मज़ा आया। खाओ और पढ़ने वाले जाओ। दो मिनट, इस महीने के लास्ट में इन लोग का एग्ज़ाम है, 50% का ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। 5 minutes late. लग गया हमारा आटा, हमारा आटा सान के रेडी है। विंटर सीजन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, विंटर सीजन मुझे इसलिए पसंद नहीं ना, हर काम करने में प्रॉब्लम होता है। हाँ, हर सुबह उठने में प्रॉब्लम, पानी का काम करने में प्रॉब्लम, बर्तन धोने में प्रॉब्लम, कपड़े धोने में प्रॉब्लम, घर साफ करने, मतलब हर काम पानी का है। और विंटर सीजन इसीलिए एकदम, आई हेट विंटर सीजन। लेकिन हाँ, विंटर सीजन में आलू पराठा खाने का मज़ा अलग है। गरम गरम आलू पराठा हो, विंटर सीजन में बनाइए, गरम गरम खाइए। हमारा तेल गरम हो रहा है, ये देखिए तेल गरम हो गया है। जब भी आलू पराठा बनाइए बादाम देके बनाइए, मेरा आदत है, बिना बादाम का हम आलू पराठा बनाते ही नहीं। वो जो सिंघाड़ा में बादाम पड़ता है ना, आलू चॉप में सिंघाड़ा में,
सब में बादाम पड़ता है। एक बार बादाम देख के आलू पराठा खाइए, मज़ा आएगा, टेस्टी होता है। बादाम देख के और सभी मसाला मेरा रेडी है काट के। ये ओनियन है, गार्लिक है, जिंजर है, चिल्ली है, ये धनिया पत्ता है, बस आलू बॉयल है, रेडी है। फटाफट आलू मेथी दाना, थोड़ा सा मेथी दाना, कटे हुए प्याज, जिंजर, गार्लिक एंड चिली। एक टमाटर काट के दे देने से अच्छा रहेगा, एक टमाटर दे देते। पाउडर मसाला में ओनली टर्मरिक पाउडर, लाइट टर्मरिक पाउडर एंड मिक्स मसाला, ये सब्जी मसाला है, थोड़ा सा लाइट ही देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे बस, और कोई मसाला नहीं, पाउडर मसाला ना और कोई मसाला नहीं। चला गया पोटैटो, और नमक स्वाद अनुसार दे दीजिएगा क्योंकि हम दे चुके हैं और आपको दिखाएंगे। सर से अच्छी तरीके से उसे मैश कर लेंगे। ये बादाम को कूट लिए हैं, कूटा हुआ बादाम लास्ट में, और ये धनिया पत्ता खत्म हो गया थी, धनिया पत्ता कल बाजार है ना, कल धनिया पत्ता आएगा। चलिए जितना था हम डाल दिए, मस्त आलू का मसाला बन के तैयार हुआ है। आज आलू पराठा हेवी लगने वाला है। कैसा दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है ना, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और चाय ज़्यादा ही गर्म जैसा हो गया, चाय पत्ती ज़्यादा डला गया क्या? छोटे कप में चाय पीने का आदत है क्योंकि छोटा कप ही ठीक है, बड़ा कप ना चाय ठंडा हो जाता है और ज़्यादा चाय पीना भी नहीं चाहिए, छोटा कप थोड़ा सा चाय। स्टफिंग रेडी है, बहुत ही टेस्टी स्टफिंग है, बहुत टेस्टी है। इसी स्टफिंग से आप समोसा बना सकते हैं, इसी से चॉप बना सकते हैं, इसी से ब्रेड सैंडविच बना सकते हैं, तो आलू पराठा बना सकते हैं। तो ये सब डिश एक ही टाइप के स्टफिंग से हम ये सारा चीज़ बनाते हैं। अभी इसको बेलेंगे, निकल जाता है इधर उधर से, ज़्यादा भरने से, ज़्यादा भरना भी नहीं चाहिए। किस चीज के साथ खाइएगा आलू पराठा? हम तो सॉस डाल दिए हैं। सॉस के साथ खाइएगा ना। रोटी बनाने के बाद जो हाल होता है किचन का, भगवान, किचन का हाल कितना गंदा हुआ है, गैस गंदा हुआ है, अभी तो पोछते रहो। तो हाय गाइस, तो हमारा आलू पराठा तैयार है, अभी सबको देंगे खाने के लिए। 8 बज रहा है तो पहले इनको एक बार खिला लेते हैं, देखते ही क्या बोलते हैं। आलू पराठा ऐसे तो मेरे वीडियो में आते नहीं है,
लेकिन आज तो जबरदस्ती हम इनको अपने वीडियो में लाए हैं। कैसे नहीं आएंगे वीडियो में? चलिए हर बार हम टेस्ट करते हैं, सोना टेस्ट करती है, आज ये टेस्ट करें। चलिए टेस्ट कीजिए। देख के तो लग रहा बहुत टेस्टी है। देखिए कैसी मेहनत रंग लाया। इतना मेहनत करती है हम लोगों के लिए, टेस्टी तो होगा ही। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक। और हम लोग हमारे वीडियो के बारे में, मेरे ब्लॉग के बारे में आप क्या बोलिएगा? बोलो बोलिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग इतना मेहनत से जो ब्लॉग बनाती है, तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ देखिए, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं सपोर्ट करने के लिए, तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा आलू पराठा तो अच्छा बना है, बच्चों को अगर खाने ना तो फिर वो लोग सोने का ही काम करते। बाबू तो बस खाली सोना ही चाहता है, जहाँ पेट भर गया। अच्छा लग रहा है, पर ना आलू पराठा हमको आदत है चाय के साथ खाने का, और सॉस के साथ हम ज़्यादा पसंद नहीं करते। कभी चाय बनाएंगे, चाय के साथ खाएंगे। बाबू खाना है तुमको? हमारा मिठू भी खाता है आलू पराठा। मिठू खाओगे आलू पराठा? मिठू अभी चुप है, ऐसे तो सारा दिन बोलता रहता है। तो गाइस, आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, देते हैं बच्चों को खाने के लिए। कल मिलते हैं फिर एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बाय।